बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ लांधी कराची में एक नया इदारा का बुनियाद रख रहा हूँ। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, हमारा एक नया मंसूबा है दिल के इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए। हम एक नया हॉस्पिटल कायम कर रहे हैं। वजह के एक और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस NICVD कराची मौजूद है, और जब डेवोल्यूशन के बाद, 18वीं तरमीम के बाद जब शहर डिवॉल्व हो गया और इस इदारा को संभालने की जिम्मेदारी हुकूमत सिंध को मिला, तो उस वक्त ये इदारा चंदा पे चलता था। मरीज जो है, पेशेंट को पैसा भर के इलाज करवाना पड़ता था, और 2014 या 15 से CM सिंध मुझे याद दिलवाएगा, 2015 से हमें ये जिम्मेदारी मिली, हुकूमत सिंध को ये जिम्मेदारी मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी मिली कि हम इस हॉस्पिटल को संभालें। और जब ये इदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक चलना शुरू हो गया, तो उसको बजट भी सेहत के हिसाब के, वो जो बजट इस इदारा को मिला, और उस बजट के अंदर रह के वो पेशेंट्स को मुफ्त इलाज देना शुरू कर दिया। और 2015 से लेके आज तक सिर्फ हमारा जो NICVD कराची का हॉस्पिटल है, वो दुनिया का सबसे बड़ा दिल का इलाज का हॉस्पिटल बन चुका है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल मौजूद नहीं जो इस तादाद में मरीजों का इलाज करवाए, और वो भी मुफ्त इलाज करवाए, 100% इलाज करवाए। और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच है कि आप अगर गरीब हो या वसाइल ना हो, ये कोई रुकावट नहीं होना चाहिए जब किसी ने अपना इलाज करवाना है। आपका जो मुआशी सूरत हाल है, उसकी बुनियाद पे ये फैसला नहीं होना चाहिए कि आप जिए या खुदा ना खास्ता फौत हो। तो इसी नज़रिए के मुताबिक और इसी मंशूर के मुताबिक हमने NICVD कराची को उस स्टैंडर्ड पे लेकर आए जो कि अब दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त इलाज करवाने वाला दिल का हॉस्पिटल बन चुका है। मगर इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोचती है कि जब आपको किसी सूबा का संभालने या हुक्मरानी करने की जिम्मेदारी मिले, या मुल्क को संभालने और हुक्मरानी का जिम्मेदारी मिले, तो फिर आपका जो मैंडेट है वो सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं होता, वो सिर्फ आपका अपना मुकामी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक महदूद नहीं होता। तो यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पे यही NICVD की बुनियाद पे कराची का हर डिस्ट्रिक्ट में चेस्ट पेन यूनिट शुरू किया, ताकि वो
कराची के शहरी जो फौरन हमारा मरकजी NICVD ना पहुंच सके, वो जल्द अज जल्द अपना ही इलाके में, अपना में डिस्ट्रिक्ट में अपना चेस्ट पेन यूनिट से अपना इलाज करवा सके। मगर ये हमारे लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए सिंध में कराची हमारा सबसे बड़ा शहर है, हमारा कैपिटल है, मगर हैदराबाद, सखर, लरकाना भी इस सूबे के शहर हैं, और इस सूबे का हर शहर में हमने NICVD का बुनियाद रखा। और कराची के बाद जो सबसे बड़ा NICVD का दिल के इलाज का मुफ्त हॉस्पिटल बना वो सखर में बना, और उसका भी इफ्तिताह हमने करवाया, साथ साथ हैदराबाद में भी और लरकाना में भी मुफ्त इलाज के लिए NICVD कराची के सैटेलाइट सेंटर्स कायम किए, जो पूरी तरह दिल के इलाज के लिए मुफ्त इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल्स हैं। और साथ साथ हमने मुख्तलिफ इस्लाम में टंडो मोहम्मद खान में, सेवन में, नवाबशाह में, मिठी में, खैरपुर में, वहाँ भी सैटेलाइट सिस्टम्स खोले हैं, वहाँ भी वहाँ के शहरियों को, वहाँ के रहने वालों को मुफ्त इलाज मिलता है, दिल के इलाज 100% मुफ्त होता है। हुकूमत सिंध की तरफ से कराची में 17 आपने चेस्ट पेन यूनिट्स, तो हर डिस्ट्रिक्ट से तो ये ज़्यादा है, ये सारे आपको क्या सुना दूँ, बस 17 है कराची में, मलीर में भी हैं, किमारी में भी हैं, जगह जगह आपके कराची में सर चेस्ट पेन यूनिट्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं नहीं गिन सकता हूँ कि कितने हैं। ओके, तो बड़े शहरों के अलावा चेस्ट पेन यूनिट्स NICVD का घोटकी में, टंडो बागो में, जेकोबाद में, उमरकोट में, टंडो लयार में, मीरपुर खास में और शिकारपुर में मौजूद। तो हमने ना सिर्फ कराची में सबसे दुनिया का बड़ा दिल के इलाज का हॉस्पिटल और वो भी मुफ्त, मगर सिंध भर में एक ऐसा नेटवर्क कायम किया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के दिल के इलाज के हॉस्पिटल मुफ्त करवाए जा रहे हैं। और पूरा सिंध का ये जो निज़ाम है, ये जो सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल का इलाज के लिए, ये दुनिया के सबसे बड़ा नेटवर्क है। और सिंध का NICVD भारत का किसी हॉस्पिटल से मुकाबला करने के लिए तैयार है, यूरोप का किसी हॉस्पिटल से मुकाबला करने के लिए तैयार है, और अमेरिका का किसी हॉस्पिटल से मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि ये वो उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध के किरदार कशी में पिछले 10-15 साल मसरूफ थे, जो एक ही रट पे लगे रहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, सिंध हुकूमत ने किया क्या है, NICVD उनका मुंह तोड़ जवाब है। मैं इस मुल्क के 70 साल के जो सियासतदान हैं, जो वज़ीरे आज़म भी रह चुके हैं, जो कहते हैं कि 30 साल सियासी जिद्दोजहद में मसरूफ थे, जो कहते हैं कि वो पता नहीं उनके 3-4 साल दौर में दूध और शहद के नहरे पख्तूनख्वा से लेके इंडस बेसन तक बह रहे थे, मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं तो तकरीबन 30 साल का उम्र का हूँ और इतना कम टाइम में मैंने तो दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त इलाज का नेटवर्क अपना सूबा में बना के आपके दिखाने के लिए काबिल है, मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरा पख्तूनख्वा उठा के दिखा दे, पंजाब का हर ज़िला में आप जाके तलाश करें, आपको एक ही सखर का NICVD की तरह इदारा नहीं मिलेगा। जहां हम हुकूमत सिंध के पैसे, सिंध के अवाम के पैसे, सिंध का सेहत के निज़ाम में
दिल का मुफ्त इलाज करवाने में इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसका फ़ायदा सिंध का अवाम को मिल रहा है, ख़ास तौर पे इन दौरों में, इस वक्त में जब एक मुआशी बहरान है, जब महंगाई, बेरोज़गारी और गुरबत अरूज पे हैं, तो हर सिंध में रहने वाले को और पूरे मुल्क में बसने वाले के लिए एक ऐसा कौमी इदारा का कॉफी और असल मानों में कौमी इदारा का तोहफा है कि आपको ये मुफ्त इलाज का सहूलत मिल सकता है। और आज तक 800,000 से ज़्यादा लोग जो सिंध से बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पख्तूनख्वा, पंजाब, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आके सिंध का NICVD में अपना मुफ्त इलाज करवाते हैं। पंजाब और पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड के नाम पे एक धोखा चल रहा है और उस धोखा से वो पंजाब का पैसा, पख्तूनख्वा का पैसा, उनका अवाम का पैसा अपना सेहत के जो इंस्टीट्यूशंस है, अपने हुकूमत के हॉस्पिटल्स में, अपना डॉक्टर्स के तनख्वाह में, अपना नर्सेस के तनख्वाह में, उन इदारे में तो खर्च नहीं हो रहे हैं, वो पंजाब का बजट पे डाका मार के, वो पख्तूनख्वा के बजट पे डाका मार के प्राइवेट इंश्योरेंसेस को पैसा दे रहे हैं, प्राइवेट इदारे को पैसा दे रहे हैं, और इस तरीके से उनका सेहत का निज़ाम तबाह होता जा रहा है। और जो सेहत का इलाज पंजाब और पख्तूनख्वा में होता है वो सिर्फ पैसा के लिए होता है, यहाँ सिंध में आपका जान बचाने के लिए होता है। और हम देखते नहीं हैं कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आप अमीर हो या गरीब हो, आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इंसानियत के बुनियाद पर आपका इलाज करवाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इदारा और ये नेटवर्क पूरी कौम के लिए और हर सूबा के लिए एक ऐसा मॉडल बनना चाहिए। और मैं वफाकी वज़ीर ऑनरेबल कादर पटेल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जबकि वो अब सेहत का वज़ीर है तो वो ज़रूर वफाक से भी आप बात करें और दूसरे सूबे से बात करें कि अगर वो चाहे तो हम अपना नदीम कमर रेंट करने के लिए तैयार है, लोन करने के लिए तैयार है, ताकि वफाक में भी या दूसरे सूबों में भी हम इस किस्म का इदारा बना सकते हैं। बजट उनको देना पड़ेगा, आजकल उनका आदत है कि आपका बजट काटना, लेकिन मेरा ख्याल में अगर आप वज़ीर आज़म से खुसूसी जो है रिक्वेस्ट करते हैं तो हम 6 महीने के अंदर इस्लामाबाद में सैटेलाइट सेंटर तो खोल सकते हैं, मगर ऑब्वियसली हमें बजट की ज़रूरत होगा। ये इसी फलसफा के तहत हम समझते हैं कि पाकिस्तान को चलना चाहिए, हमारा इदारे को चलने चाहिए, हमारा हुकूमत को चलाने चाहिए। और ये सबसे जो बड़ा सबूत है कि जब वो कहते हैं कि डेवोल्यूशन से क्या मिला है, 18वीं तरमीम से क्या मिला है, 1973 की आईन आपको क्या दिलवा सकती है, तो आपने एक NICVD का तस्वीर निकाल के उनको दिखाना है। साथियों, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनके सियासतदान, उनके हुक्मरान उनकी खिदमत करें, उनका मसाइल का हल निकालें, NICVD जैसे इदारे कायम करें और आपस का लड़ाइया, आपस के सियासत, सियासी बयानबाजी, सियासी लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट में हो या इंतखाबात में हो, और उसके अलावा हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम आपकी खिदमत करें और आपका मसाइल का हल करें। और मेरी अपील है बाकी कुछ ऐसे जमातों से कि वो इंतहा पसंदी का सियासत छोड़ दे, वो गैर जमहूरी सियासत छोड़ दे, वो दोस्त धमकी और झूठ की सियासत छोड़ दे, वो नफ़रत और तकसीम की सियासत छोड़ दे। और पाकिस्तान की एक जमहूरी रवैया है, एक जमहूरी तहरीक है, और आप उसकी हिस्सा बन के
पाकिस्तान की तरक्की में आपका एक किरदार हो सकता है, वरना पाकिस्तान की तकसीम में, पाकिस्तान की तबाही में जो आपका किरदार रहा है वो तारीख का हिस्सा है। और जिस तरीके से आप आजकल भी अपना सियासत और अपना नफरत अंगेज सियासत चला रहे हो, उससे आपको अपना तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है वो भी हम सबके सामने हैं। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान एक मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, एक सियासी और आइनी बहरान से गुजर रहे हैं, एक सिक्योरिटी का, एक दहशतगर्दी का एक क्राइसिस मौजूद है, कुदरती आफत और सैलाब के असरात आज तक मौजूद हैं, और इन सारे मसाइल को हल करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक बार फिर मैं हुकूमत सिंध, नदीम कामर साहब वज़ीर सेहत सिंध, और आप सबको मुबारक देता हूँ कि ये जो कौमी अदारा, जो सेहत में इनकलाब, मुफ्त इलाज का जो आपने NICVD का कहानी शुरू किया है, ये तसलसल रुकने वाला नहीं है। इंशाल्लाह ताला जो इलाके सिंध भर में NICVD से महरूम हैं, वहाँ भी हम दिल का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल खड़ा करके दिखाएंगे। जहाँ जहाँ अभी तक सिर्फ चेस्ट पेन यूनिट मौजूद है और पूरा सैटेलाइट सेंटर मौजूद नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला हम वहाँ उन चेस्ट पेन यूनिट्स को इन्हांस करेंगे और वहाँ भी सैटेलाइट सेंटर्स लेकर आएंगे। जाने से पहले मेरा एक शिकायत है, मेरा एक ख़ास तौर पे सुबह सिंध के हवाले से। एक तो आपको पता है कि कुदरती आफत और तारीखी सैलाब के बाद हमारे कुछ शिकायत हैं, उनको भी एड्रेस तो होने चाहिए। सेंसस पे हमने अपना रेड लाइन ड्रॉ कर लिया है और आपको, आपके सामने सारे जो हमारे ख्यालात हैं वो तो रखे ही रखें, लेकिन साथ साथ इस सूबा में तकरीबन एक साल पहले बल्दियाती इलेक्शंस होने थे, और जो फर्स्ट फेज के बल्दियाती इलेक्शंस थे, जो नॉर्दर्न सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस थे, वो तकरीबन टाइमली एक साल पहले हो चुके। उसके बाद इसलिए कि दीवार पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट से दूसरा फेज में जीत रही है, तो कई न कई बहाने पे हमारा लोकल बॉडी इलेक्शंस डिले होते रहे। जब हम कहते थे कि सैलाब है उस वक्त ना करे, तो वो कहते थे नहीं करवा दे, और जब हम कहते थे कि अब हम तैयार है आप इलेक्शंस करवा दो, तो हमें बताया जाता था कि नहीं आप ना करवा दें। एनीवे आखिरकार आपको सेकंड फेज में रहने वाले को, हैदराबाद के अवाम को, कराची डिवीजन के अवाम को अपना मौका मिला, और एक तारीखी बल्दियाती इलेक्शंस हुए जिसमें तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ हैदराबाद डिवीजन को स्वीप किया है, और वहाँ के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में वोट किया, मगर कराची डिवीजन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली। और ये अवाम का एतमाद उस जमात में है जो आज से नहीं, अपनी बुनियाद से इसी शहरों में अपने सियासत करती आई है। कभी हम कभी किसी थंडर स्क्वाड का मुकाबला करके सियासत करते थे, तो फिर कभी कोई बाहर के बैठा हुआ दहशतगर्द का मुकाबला करते थे, और हम जानते थे कि हमारा मुकाबला तो सिर्फ जमहूरी मुकाबला नहीं था। हम हर वक्त जमहूरी रहे, लेकिन हमने दहशत का मुकाबला किया। हमने पुरमन तरीके से वोट का इख्तियार थे, पुरमन एहतजाज से
कुर्बानियां दे के शहादत हासिल करके अपने कारकुनों के खून पे सीने में और नस्लों के मेहनत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची का इलेक्शन जीता है और हमारा मैंडेट आपका मैंडेट है। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि इलेक्शंस तो हो चुके हैं, हर इलाका अपना नुमाइंदे से महरूम है। सिलाब के दौरान, मानसून के दौरान हमारा नॉर्दर्न सिंध के जो इलाके हैं, अगर उनमें उनके बलदियाती नुमाइंदे को वोट वो चेयरमैन का और मेयर का इलेक्शन करवाने देते हैं, तो हमारे पास लोग मौजूद होते हैं तो उस इम्तिहान के वक्त अपने अपने लोगों को मदद कर सकते थे। इलेक्शन तो जीत चुके थे, ओहदा नहीं संभाल रहे थे, लोग उनके पास आ रहे थे, काम नहीं करवा सक रहे थे। दूसरा, सेकंड फेज का इलेक्शंस हो चुका है। आज तक पूरा सिंध अपना बलदियाती नुमाइंदे से महरूम रखा जा रहा है। तारीखी तौर पे पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते रहते थे कि पीपल्स पार्टी तो डेवोल्यूशन के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी तो हमेशा लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते हैं। तो अब जवाब दो, हमने इलेक्शंस करवाए हैं तो कौन रोक रहे हैं, कौन रोक रहा है, किसको ये खौफ है कि क्या हो जाएगा, क्या क्या में टूट पड़ेगा अगर चियाला मेयर होगा और कराची का या हैदराबाद का। अवाम ने वो सारे साजिशों को जवाब अपना वोट के थ्रू, अपना हक इस्तेमाल के आपने अपना जवाब दिया है। पूरे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जनरल इलेक्शंस मुकम्मल हो मगर एक सीएम को या वजीर आजम को कहा जाए कि आप इंतजार कीजिए, पहले उन बाय इलेक्शंस को हम जरा करवा दें, उन बाय इलेक्शंस करने के बाद फिर हम आपको अपना वोट लेने का मौका देंगे। और स्केड्यूल मजाक का, क्या स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन ने कहा दिया है कि रमजान के 18 अप्रैल में हम बाय इलेक्शंस करवाएंगे और 30 अप्रैल को आपको मौका देंगे कि आप अपना नुमाइंदा चुनें। हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम समझते हैं ये जानबूझ के अपने इलाके को अपने नुमाइंदों से महरूम रखा जा रहा है, उनसे जो ये हजम नहीं हो रहा था माजी में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से जीते तो उनको कभी किसी थंडर स्क्वाड को खड़ा करना था, कभी किसी और को खड़ा करना था, अब उनसे ये हजम नहीं हो रहा है कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, एक पुरमन जमात है, हमने कभी इंतहा पसंदी का सियासत नहीं की है, मगर हम अपने वोटर्स के, अपने कारकुनों को जवाब दें हैं और मेरे पास इस गैर जमहूरी कदम का कोई जवाब नहीं है। मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूं, मुर्तजा वहाब साहब जो एडवाइजर सिंध है लॉ मिनिस्ट्री का, आपसे रिक्वेस्ट और सीएम सिंध से रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरन सिंध हाई कोर्ट चले जाएं और इस इलेक्शन स्केड्यूल जो ऐलान किया गया है इसको चैलेंज किया जाए। हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से जब भी हमारा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट या किसी कोर्ट का किसी इदारा पे हमला हुआ है तो हमने हमेशा उनके साथ खड़े किए हैं। जब मेरिट के खिलाफ फैसले लिए जा रहे थे तो हमने सबसे पहले आवाज उठाए थे, अब हमारा हक पे डाका मारा जा रहा है। वो कोतें ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होगा। और मैं समझता हूं कि अगर हमने जो इस शहर का माजी का खून खराबा का सियासत था, नफरत का सियासत था, लिसानी बुनियादों पे तकसीम का सियासत था, अगर उसको हमने छोड़ना है
और एक अमन के सियासत की तरफ जाना है। अगर हमने यूनिटी के सियासत की तरफ आगे बढ़ना है तो हमारा इस कंप्लेंट को फिल फॉर एड्रेस होना पड़ेगा, और जल्द अज जल्द, मतलब फौरन मेयर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, वरना इसका जो असरात होंगे, इसके जो इफेक्ट्स होंगे आने वाले वक्त में, इस शहर की अमन और इस शहर का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का के सवाल निशान बनेगा। मैं चाह रहा हूँ कि बल्दियाती सतह पे भी, इसलिए कि हमारा खिदमत में, हमारा गवर्नेंस में एक की जो रुकावट रहा है, तारीखी रुकावट रहा है, गैर सियासी और इनऑर्गेनिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती निज़ाम से आउट रखा जाता था, और हम इस शहर में ख़ास तौर जो खिदमत कर सकते थे, जिस तरीके से खिदमत कर सकते थे, उससे हमें वो मौका नहीं मिला। इंशाल्लाह ताला जल्द जो है मेयर हमारा होगा, जल्द जो है बल्दियाती निज़ाम आपका होगा, और एक कोऑर्डिनेशन के साथ तारीखी एक सियासी मौका होने वाला है, जहां वफाक भी, सूबाई हुकूमत भी और बल्दियाती निज़ाम भी एक पेज पे होंगे, और इंशाल्लाह ताला उस तेज़ी के साथ कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम, पूरा सूबा के अवाम का मसाइल जो है उनके हल निकाले जाएंगे। जिए भुट्टो।